हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेघा मोदी, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो कि पहले के जमाने में नहीं होकर आज इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन की वजह से या किसी और कारण। वेलकम मेघा जी, वेलकम टू फेस न्यूज। मेघा जी, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मेघा मोदी है। आई एम डायरेक्टर त्वचा द स्किन क्लिनिक एट वसुंधरा गाजियाबाद। I am doing dermatology and cosmetology for last 10 years and my clinic is running successfully, this Twacha the Skin Clinic, for last 8 years. I have done my MD from Padodara, Gujarat. आपका 8 years से यहाँ पे क्लिनिक स्टेब्लिश है, तो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आपको लोगों में देखने को मिलती हैं? कॉमन प्रॉब्लम्स हम सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स में एक्ने प्रॉब्लम्स देखते हैं। इवन आजकल ओल्ड एज में, यानी कि 40s में भी हमें एक्ने के प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलने लगी है। हेयर प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आई थिंक कोई फीमेल ऐसा नहीं हमें आके कहती कि हमारे हेयर फॉल हो नहीं हो रहा या हमारे हेयर्स ख़राब हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, लस्टरलेस हो गए हैं। ये सब पॉल्यूशन की वजह से है। इनके अलावा फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं। पूरी पूरी फैमिली हमें अफेक्टेड मिलती है एक ही फंगल इन्फेक्शन से। ऑल फैमिली मेम्बर्स आर अफेक्टेड विद द फंगल इन्फेक्शन। एंड इसके अलावा हमें एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ बहुत देखने को मिलने लगी है। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एक्ने, हेयर प्रॉब्लम्स, ये सब ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं। फंगल इन्फेक्शन जैसा आपने बताया, तो फंगल इन्फेक्शन का क्या क्या प्रिकॉशंस लोगों को क्या क्या सजेस्ट करना चाहिए आप? फंगल इन्फेक्शंस यहाँ पर बढ़ने का एक कारण तो हाई राइज बिल्डिंग्स हो सकते हैं, बिकॉज सन एक्सपोजर प्रॉपरली नहीं मिलता है। इंडोर हमारा ह्यूमिड है, मॉइस्चर ज़्यादा है। इसके अलावा यंगस्टर्स में जो जीन्स की वो टाइट कपड़े पहनना एंड थिक क्लोथ्स, हाइजीन इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, बट दीज डेज फंगल इन्फेक्शन इज सीन इवन इन हाइजीनिक पर्सन्स। इट इज़ नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक क्लास, ये सभी क्लासेस में देखने को मिलने लगा। वॉशिंग मशीन भी एक इसका कारण हो सकता है, क्योंकि सब लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा देते हैं, वो वॉश होते हैं, हम सब लोग ऑफिस चले जाते हैं, वापस आते हैं तब हम उनको सुखाते हैं, वो उतनी देर गीले ही रहते हैं। सो ये सब कारण फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ड्राई रखना चाहिए, स्वेटिंग से बचना चाहिए, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अपने क्लोथिंग्स को गर्म पानी से धोना चाहिए और प्रॉपर सनलाइट में सुखाना चाहिए। तो आपकी क्लिनिक की क्या स्पेशलिटी है? त्वचा द स्किन क्लिनिक इज अ स्किन क्लिनिक एज वेल एज अ लेज़र क्लिनिक। इट इज़ फॉर डर्मेटोलॉजी एज वेल एज फॉर कॉस्मेटोलॉजी। दैट मीन्स इट डील्स विद ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्जिमा, सोरियासिस, विटिलिगो, एक्ने, हेयर लॉस, एज वेल एज इट डील्स विद कॉस्मेटिक इशूज लाइक एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ। सो वी कैन गो फॉर लेज़र हेयर रिडक्शंस। वी हैव ऑल द लेज़र फैसिलिटीज, लाइक वी हैव लेज़र फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन, वी हैव हाई इंटेंसिटी फोकल अल्ट्रासाउंड फॉर एंटी एजिंग पर्पज, वी हैव CO2 laser for acne scars and for wart removal, and we have peels, we have microderma abrasion that enhances your beauty, that helps in anti-aging. Hair loss एक ऐसी problem है जो कि commonly सभी में देखी जाती है, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे viewers को? देखिए, hair fall अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने लगा है। उसका reason pollution है, ना सिर्फ air pollution but water pollution, और जो हमारी न्यूट्रिशन की जो कमी हमें है, मे बी बिकॉज ऑफ जो पॉल्यूटेड वाटर है उसकी वजह से, हम आरओ वाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से, और जो भी हम फूड ले रहे हैं वो भी सारा उतना न्यूट्रिशन हमें नहीं प्रोवाइड करता है। तो इन सभी रीज़न से हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट पर ध्यान दें। हेयर्स के लिए कुछ सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बायोटिन है, पेंटोथेनेट है, और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए,
प्रॉपरली हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इनटेक प्रॉपर होना चाहिए. नट्स वगैरह लेना चाहिए जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं. ये सब हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. तो न्यूट्रिशन का तो खास करके हमें ध्यान रखना चाहिए. इसके अलावा जो शैम्पूज़ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो माइल्ड होने चाहिए, जिनमें ज़्यादा केमिकल्स ना हो. जैसे कि हम कहते हैं SLES फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री शैम्पूज़ हमें यूज़ करने चाहिए. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारी हम ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं, लाइक केराटिन, लाइक रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, ये सब बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक लिमिट में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इनसे भी हमारे बालों पर असर ज़रूर होता है. ठीक है. इसके अलावा खैर ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं. जब भी हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा है, इसके पीछे हार्मोनल रीजंस भी हो सकते हैं जो भी ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं. आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी हमें 13-14 ईयर्स के बच्चों में भी हमें हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलने लगी है. इसके पीछे हार्मोनल रीजंस हैं, उनका हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए. हेयर फॉल के लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने क्लिनिक में, क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए हम ज़्यादातर सप्लीमेंटेशन देते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन देते हैं. इसके अलावा कुछ सीरम्स आते हैं जो मिनोक्सिडिल बेस्ड होते हैं या पेप्टाइड बेस्ड होते हैं, वो हम एप्लीकेशंस के लिए देते हैं. और अगर ये सब अगर वर्कआउट नहीं करता है तो वी हैव अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जिसे कहते हैं. उसमें हम पेशेंट के ही ब्लड से हम कुछ ग्रोथ फैक्टर्स डिराइव करते हैं. कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हम पेशेंट का लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स सेपरेट करके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं. दैट हेल्प्स इन रीगेनिंग योर लॉस्ट हेयर्स, लाइक आपका हेयर वॉल्यूम वो बेटर कर सकता है. चाहे न्यू हेयर ग्रोथ ना आए बट कवरेज बेटर हो जाता है. ठीक है. दिस साउंड्स टू बी पेनफुल बट एक्चुअली इट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल.